हफ्ते भर बाद से ही पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पेन में तो सेकंड थर्ड डे से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है क्या सियाटिका सर्जरी से ठीक हो सकता है मैं आपको बोलता हूँ सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब आप मानते हैं कि सियाटिका का पेन बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है तो यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने विलेजेस हैं हम वहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ दिया करते हैं उपचार किया करते हैं तो मतलब ग्रेटर नोएडा के जो 10 किलोमीटर का पूरा एरिया है जी तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल चलाते हैं ओपीडी चलाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमांशु भट्ट दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर विशाल सिंह जी से जानेंगे सियाटिका पेन के बारे में क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सियाटिका पेन बहुत कॉमन हो रहा है और लोगों में सियाटिका को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि ये पैर में किस वजह से हुआ है नॉर्मल पैर दर्द है वेन का दर्द है या सियाटिका का पेन है हम ये भी जानेंगे कि कैसे डायग्नोस करें और कैसे आप सियाटिका के पेन से निजात पा सकते हैं सर आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू हिमांशु जी थैंक यू सर सियाटिका पेन बहुत कॉमन हो रहा है आज के टाइम पे लेकिन ये सियाटिका पेन होता क्या है सियाटिका uh, आजकल बहुत ही कॉमन देखा गया है सियाटिका जो वर्ड आया है वो सियाटिक नर्व से आया हुआ है श्याटिक नर्व हमारी पैर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नर्व है जो कि स्टार्ट होती है हमारे लोअर बैक से स्पाइन से और वो पूरे पैर में जाती है उसके नर्व कोर्स में सो so, जो भी दर्द उस नर्व कोर्स में होता है उसको हम सियाटिक पेन कहते हैं जी सो so, आजकल यही बड़े ही कॉमनली पाया जा रहा है तो सर सियाटिका पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं जैसे मैंने कहा ना कि लोगों के नॉर्मली पैर में दर्द हो जाता है कई बार गलत पोस्चर होता है रात को गलत तरीके से सोते हैं पैर दब जाता है नस दब जाती है तब भी दर्द होता है जैसा आजकल वेन बहुत कॉमन है उसका दर्द भी होता है लेकिन सियाटिका का पेन कैसा होता है और कैसे पता चला है कि सियाटिका का पेन है सियाटिका का जो पेन है वो माइल्ड से लेकर मॉडरेट और सीवियर तक होता है सो so, जो भी पेन है पेन के साथ साथ हमारा क्या होता है उस नर्व में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है उस पेन को तो पेन और साथ साथ नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन भी कभी कभी किस केसेस में हमको दिखता है क्योंकि कहाँ पे कंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो शियाटिका होता ही इस वजह से क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं हर्निएशन ऑफ डिस्क स्लिप डिस्क तो वो स्लिप डिस्क जो हर्निएशन डिस्क है वो प्रेशर डाल रही है हमारी शियाटिक नर्व के ऊपर इसमें एक तो हर्नीशन ऑफ डिस्क हो गया दूसरा कभी कभी बोनी स्पर भी हो जाता है जो कि प्रेशर डालता है उस नर्व के ऊपर ट्यूमर अच्छा। हो जाते हैं केसेस में जो कि प्रेशर डालते हैं उस शियाटिक नर्व के ऊपर जब भी शियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर होगा तो वो शीआरटीका के पूरे कोर्स में वो पेन होगा तो सर इसको तो कैसे डायग्नोज करें पेन तो लोगों को पता चल गया ठीक है पैर में दर्द हो रहा है तो लेकिन डायग्नोस कैसे होगा इसको डायग्नोसिस करने का क्लिनिकली भी हम डायग्नोस करते हैं पेशेंट को लिटा के उसको लेग्स को हम ऊपर करते हैं 30 और 35, 70 डिग्री तक लेके जाते हैं बट इस सबसे अच्छा डायग्नोस करने का तरीका इसके एक तो एक्सरे है एक्सरे से हमको पता चल जाता है स्पाइन में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है क्या चेंजेज आ रहे हैं सी स्कैन से पता चलता है मेन गोल्ड स्टैंडर्ड इसका एम है एम में हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये इसका रीज़न क्या है वो हर्निएशन ऑफ डेस्क है कि कोई बोनीस पर है या कि ट्यूमर है कोई क्योंकि एग्जैक्ट पता लगना जरूरी है जब तक तो एग्जैक्ट पता चला चलेगा नहीं किस वजह से है तो आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल तो एग्जैक्ट कॉज हमें पता चलेगा एमआरआई से सर रीज़न क्या है क्योंकि सियाटिका का पेन क्या है तो हमें पता चल गया डायग्नोस कैसे होगा वो भी पता चल गया लेकिन आजकल इतना कॉमन क्यों हो रहा है का रीज़न क्या है मेन आज का इसका सबसे बड़ा रीज़न हिमांशु जी मैं बोलूँगा कि आज की लाइफ जो हमारी इनरेगुलर लाइफ स्टाइल होगी है वो सबसे बड़ा इसका रीज़न है लाइफ से मेरा मतलब है एक तो हम रेगुलर एक्सरसाइजेज भी नहीं कर रहे हैं प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर टाइम पर डाइट नहीं ले रहे हैं प्लस हमारे एडिक्शंस फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग स्मोकिंग भी कहीं कही ना कहीं वो टोबैको जो है नर्व को नर्व टिश्यूज़ को डैमेज करता है hmm. दूसरा क्या हो गया डायबिटीज़ डायबिटीज़ भी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल जो है वो नर्व को डैमेज करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस हमारे स्पाइन में एज रिलेटेड भी हो सकते हैं जब वो चेंजेस होंगे तो फिर वो हमारे कहीं ना कहीं वो कंप्रेशन क्रिएट करेंगे सो hmm. लाइफस्टाइल so, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें सर जैसे आजकल देखा गया है ना हाइपोथायराइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिल्कुल तो अब हाइपोथायराइड में वज़न बढ़ता है जी तो क्या वजन बढ़ना और हाइपोथायराइड भी का कारण ओबेसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है बिकॉज ओबेसिटी के साथ साथ वो अकेले ओबेसिटी नहीं है फिर वो हमारी लैक ऑफ इनएक्टिविटी भी हो जाती है उसके साथ साथ और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टेंट प्रोलॉन्ग सिटिंग भी एक फैक्टर है तो ओबेसिटी भी एक फैक्टर है अगर ओबेसिटी कारण है तो ओबेसिटी से हम समझेंगे कि वजन बढ़ना और जब वजन बढ़ेगा तो लोड बढ़ता है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वेट बढ़ता है तो क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर भी सियाटिका का जो पेन है वो ट्रिगर करता है प्रेग्नेंसी का समय भी सियाटिका का पेन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि ट्रिगर करता है उसका रीज़न यही है इनएक्टिविटी मैं बोलूंगा कि प्रेगनेंसी के पीरियड में भी जो कि फीमेल्स हैं वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहें रेगुलर मसकुल मसल्स की टोनिंग एक्सरसाइजेस जो भी हैं जो भी एक्सपर्ट के पास जाके अपने घर में अपने मन से कुछ भी नहीं करें सब एक्सपर्ट की एडवाइस में उसके सुपरविजन में करें रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अपनी कोर मसल्स को हेम्पस्ट्रिंग मसल्स को अच्छा रखेंगे टोनिंग करेंगे तो ये तकलीफ़ें नहीं होंगी सर आपने एक्सरसाइज़ कहा चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो नॉर्मल इंसान भी हो एक्सरसाइज तो सबको करनी है लेकिन अगर किसी को सियाटिका का पेन है तो वो किस तरह से एक्सरसाइज करें सियाटिका के पेन में मैं इनिशियली बोल रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर कि उसको कितना पेन है मैं यही बोलूँगा कि वो पेशेंट जो है बेड रिडन ना हो वो कम से कम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज करते रहे वो रेगुलर एक्टिविटीज करेगा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होगी उसकी मसल्स की तो अपना करे लेकिन एक्सपर्ट के ओपिनियन में सुपरविजन में ही करे वो मतलब ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आप आपकी मसल्स में खिंचाव पैदा हो लेकिन डॉक्टर की परमिशन के बिना ना करो ना करें लेकिन वॉकिंग तो कर सकते हैं वॉकिंग बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए लेकिन सर अगर किसी भी पेशेंट ने अपनी मर्जी से ऐसी इंटरनेट पर वीडियो देखे कि शाटिका का पेन है आप ये वाला पॉइंट दबाओ ये वाली एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा वो कितनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मैं तो यही सबको बोलूँगा कि कोई भी अपने मन से कोई भी एक्सरसाइजेज या किसी तरह के भी कोई पॉइंट्स नहीं दबाए क्योंकि वो फिर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपका पेन बहुत सीवियर हो जाएगा जिसमें आपको चलने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी तो आप जो भी एक्सरसाइजेस करें वो किसी सुपरविज़न में ही करें किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही करें हम यहाँ पे बैक्सेंस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेरे यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हम वर्क करते हैं मेरे पास मैक्सिमम मुझे प्रैक्टिस करते हुए ट्वेंटी इयर्स हो गए इस ट्वेंटी इयर्स में मैंने थाउजेंड्स ऑफ के, के केसेस देखे हुए हैं जिसमें हम होम्योपैथी के साथ साथ योगा नेचुरोपैथी फिजिथेरेपी एक्यूप्रेशर एक्यूपचर इन सब मॉडलिटीज़ के साथ में हम ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत ही जल्दी मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं अच्छा तो सर अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं तो कोई शाटिका का पेशेंट है उसको कितने टाइम में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा या कितने टाइम में वो इससे रिलीफ पा सकता है बहुत अच्छा ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें मैं यही बोलूंगा कि वो डिपेंड करता है उसके सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर वो डिजीज़ एग्जैक्टली exactly, उसका रीज़न क्या है उसमें वो कहीं ट्यूमर ग्रोथ है कि कहीं वो इस पर है उसके ऊपर प्रॉपर डायग्नोसिस के ऊपर उसके कॉज के ऊपर और फिर हम अपनी जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे उसको इम्प्रूवमेंट होता ही होता है मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हिमांशु जी मैं बोलूंगा कि हफ्ते भर बाद से ही पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पेन में तो सेकेंड थर्ड डे से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है बट प्रॉपर चलना वो सब चीज़ों में हफ्ता भर दस दिन मैं उनको अपना प्रॉपर डाइट एंड रिजीम के साथ में यहाँ पे रखता हूँ अपने हॉस्पिटल में और रिजल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं मतलब एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं डेफिनेटली तो सर अगर आप डाइट की जो आपने बात की तो आप कैसी डाइट देते हैं यहाँ पे हम पूरा हिमांशु जी उसको शयाटिका में या जॉइंट्स रिलेटेड कंप्लेंट्स में हम मोस्टली खट्टी चीज़ें अवॉइड करते हैं ठंडा और खट्टा हम अवॉइड करते हैं ये क्या होता है जॉइंट्स कंप्लेंट्स को एग्रोवेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को एग्रवेट करते हैं तो खट्टे में जैसे लाइम लेमन सॉस केचप स्प्रिकल हम यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करते हैं ठंडे में कोल्ड ड्रिंक पैप्सीज आइसक्रीम्स करड ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं तो मैं सब लोगों से यही बोलूँगा कि अगर वो घर में भी है तो ठंडा और खट्टा अपने जॉइंट्स डिसऑर्डर्स हैं तो अवॉइड करें ऐसा भी पेन है आपको तो उसमें खट्टा और ठंडा तो छोड़ ही छोड़ ही दे जी तो सर आपने बताया ना बैक्सन होम्योपैथी या बैक्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं इस तरीके से करते हैं आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे होम्योपैथी के साथ और एक्सरसाइज योगा एक्यूप्रेशर सब करते हैं बिल्कुल लेकिन ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हिमांशु जी ये हमारा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिंस 2002 से है ये ग्रेटर नोएडा में है तो ह, मुझे बोलते हुए बहुत ही फख्र हो रहा है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग सिंस टू से हमने टेन किलोमीटर्स की पेरीफेरी में हमारे एट टू टेन पेरीफेरल ओ हैं जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट दिया करते हैं अगर पेशेंट बहुत सीवियर है तो फिर हम उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और एडमिशन में हॉस्पिटल में भी हमारे चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है सो पेरीफेरल ओ में क्योंकि यहाँ पर अर्बन और रूरल दोनों एरिया है तो यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने विलेजेस हैं हम वहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ दिया करते हैं उपचार किया करते हैं तो मतलब ग्रेटर नोएडा के जो 10 किलोमीटर का पूरा एरिया है जी तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिलपी चलाते हैं ओ चलाते हैं और उन्हीं पेशेंट को अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है इसमें मेरे होम्योपैथिक हॉस्पिटल और साथ साथ ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ में ये हंड्रेड बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है जिसमें मेरे पास सभी फैसिलिटीज़ हैं आई सी यू एन आई सी यू ऑपरेशन थिएटर्स डायलिसिसब इन्वेस्टिगेशन सी टी स्कैन सभी चीज़ें यहाँ पर वेल इक्विप्ड है तो अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसको शिफ्ट भी करते हैं सर इसमें दवाई किस तरीके से काम करती है क्या एलोपैथी दवाई से इसको ठीक किया जा सकता है इसमें दवाइयाँ एलोपैथी से भी ठीक किया जा सकता है बट मेरा एक्सपीरियंस होम्योपैथी से बहुत ही अच्छा है होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं उसका इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसको कम करती हैं जब वो इन्फ्लेमेशन कम होता है तो उसके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली ही कम होने शुरू हो जाते हैं साथ साथ प्रॉपर डाइट योगा फिजियोथेरेपी एंड नेचुरोपैथी में अपने थेरोपेटिक मसाजेस करते हैं जिससे मस्कुलर इस्पाज़म और इन सब चीज़ों में बहुत रिलीफ मिलता है डाइट में हम उनको प्रॉपर मिलेट्स की डाइट और पूरा वैदिक कुकिंग के हिसाब से हम उसको उनको, उनको डाइट दिया करते हैं प्रिस्क्राइब किया करते हैं मतलब एक तरीके से देखा जाए लोग सोच रहे होंगे ना कि डॉक्टर बार बार दवाई क्यों नहीं बता रहे प्रॉपर डाइट क्यों नहीं बता रहे प्रॉपर एक्सरसाइज तो यहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की बॉडी टाइप अलग अलग होती है हर इंसान को हर चीजें सूट नहीं करती है जो डाइट मुझे सूट करेगी वो सर को नहीं करेगी जो सर को सूट करेगी वो मुझे नहीं करेगी हो सकता है कुछ एक्सरसाइज से मेरे को प्रॉब्लम हो जाए और इनको उससे फायदा हो तो इसलिए हर पेशेंट के हिसाब से उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से उसके सिम्टम्स के हिसाब से डाइट और ट्रीटमेंट अलग अलग होता है और दे वैसे दे। भी होम्योपैथी तो करती ही काम सिम्टम्स के बेस पर है तो सिम्टम के बेस पर ही आपकी पूरी मेडिसिन बनाई जाती है सर आपने ना डाइट में पूछना चाहूंगा आपने कर्ड की बात की थी दही जी कई लोग दही को बहुत चाव से खाते हैं जी और खास करके रात के टाइम पे तो और कई लोग मना करते हैं कि रात के टाइम नहीं खाना नहीं चाहिए क्या ये सही है देखिए हिमांशु जी दही का जो आयुर्वेदा में है वो यही है कि दही की जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम तासीर बोलते हैं वो ठंडी है हां। सो ठंडी तासीर की चीजें हमारे इस अगर मैं इसकी बात करूँ श्याटिका की तो उसमें वो हार्मफुल है सो मैं कहूँगा कि उसको अवॉइड करें अगर फ्रेश कर्ड है दिन का समय है वो खट्टा नहीं है और आपको बहुत पसंद है तो आप खा सकते हैं बट उसको रात में तो अवॉइड करें और खट्टा नहीं है इसी शर्त पे दिन पे खा सकते हैं शर्त रात को तो खाना ही नहीं है बिल्कुल थोड़ा सर, सा सर, स्मोकिंग तो आपने मना की स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज्यादा हार्मफुल है इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नर्व्स पे पड़ता है सो वो कहीं ना कहीं वो नर्व्स को डैमेज करता है सो हमको बिल्कुल ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए सर जैसा हमने कहा ना कि मोटापा भी जी साइटिका का कारण बन सकता है बिल्कुल और आजकल तो नॉनवेज का प्रचलन बहुत ज़्यादा है जी तो क्या नॉन वेजिटेरियन डाइट भी जी कारण बन सकती है श्याटिका में या अगर किसी को शयटिका है तो उसे नॉनवेज छोड़ना पड़े नहीं ऐसा एज सच तो टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा नहीं है कुछ भी बट हमको अपनी डाइट जो है वो मॉडरेट रखनी है ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड करना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज लैक ऑफ एक्सरसाइज इन सब चीज़ों को पैदा करेगी सो अपना so, हमको डाइट एंड बहुत ही अच्छा रखना है रेगुलर एक्सरसाइज करना है अपना सिटिंग सिटिंग पोस्चर करेक्ट रखना है लॉन्ग वर्किंग्स जो जो आजकल कल्चर चल गया ऑफिस का या आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं उन सब चीजों को अवॉइड करना है शियाटिका के के केसेस में क्योंकि वो फिर पेन को एग्रोवेट करते हैं सर खाने के लिए तो बहुत कुछ है जैसे आपने बताया ना प्रॉपर डाइट देते हैं सात्विक डाइट देते हैं मॉडरेट करते रहते हैं इसलिए खाने में तो बहुत कुछ है जी लेकिन आप बता अगर बताना चाहें तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा कि मेनली किन चीजों को छोड़ने की जरूरत है खट्टा तो आपने बता दिया जी खट्टा और ठंडा लेकिन इसके अलावा और क्या छोड़ा जाए खाने के लिए जैसे आजकल कई लोग डॉक्टर्स मना करते हैं आपको ऑयली नहीं खाना जी और ऑयली में भी ज्यादातर रिफाइंड वाला रिफाइंड वाला और इसके साथ साथ आपको फास्ट फूड जंक फूड तो क्या ये सब छोड़ने की जरूरत है मैं बोलूंगा कि छोड़ना ही चाहिए क्योंकि जंक फूड हमको कहीं ना कहीं हार्मी कर रहा है तो जंक फूड अवॉइड करना है ठंडी चीज़ें जिसकी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी ठंडी है तासीर उसकी ठंडी है वो सब अवॉइड करना है ये मैं सिर्फ पेन्स की बात कर रहा हूँ ये सियाटिका के दर्द की बात कर रहा हूँ तो इन सब चीज़ों में वो अवॉइड करना है और हमको अपना नॉर्मल अपना मील्स लेने हैं रेगुलर टाइम पे टाइम ताँप इंटरवल तो सियाटिका में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या सियाटिका सर्जरी से ठीक हो सकता है पेन बहुत ही सीवियर है और इन मोडेलिटीज़ से ठीक नहीं हो रहा है मेरा एक्सपर्टीज़ इसमें रहा है हिमांशु जी मुझे 20 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए मैं आपको बोलता हूँ 90 टू 95 फाइव परसेंट केसेज में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर भी 5 टू 10 परसेंट केसेज़ में जिसमें पड़ती है उसमें लोग सर्जरी करा लेते हैं क्योंकि उसका पेन बहुत ही अनबेरेबल एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है आफ्टर सर्जरी उसमें कितना आफ्टर सर्जरी तो मैं ये बोलूँगा कि आप रेगुलर अपनी एक्सरसाइज़ फ़िजियोथेरेपी वो सब करते रहें जिससे वो सब चीज़ें रिलैप्स ना हों मतलब आप मानते हैं कि शर्टिका का पेन बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है तो सर शर्टिका के पेन में होता है ना कई लोगों क्या शर्टिका के पेन में कई लोगों के घुटने और एंकल में स्वेलिंग आ जाती है आ जाती है काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनके घुटनों में भी स्वेलिंग आ रही है एंकल में भी स्वेलिंग आ रही है या हैमस्ट्रिंग मसल्स मसल जो है हाँ। वो स्टिफ हो गई हैं हाँ। सो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज की एक्सरसाइज मस्ट है आपको चाहे आप एक्सरसाइज में भी अपना वॉक करते रहे और अच्छे एक्सपर्ट के पास थेरापेटिक मसाजेज होती हैं उससे क्या होगा जो इस्पाजम है मस, मसल्स का वो सब चीज़ें रिलीज होंगी एक्यू पंक्चर है एक्यू प्रेशर है ये सब बहुत ही इफेक्टिव है शयाटिका में मतलब जो भी करना है शयाटिका में डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद ही करना है डॉक्टर की परमिशन के बिना जो भी करेंगे हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा नुकसान सकता पहुंचा सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आजकल ट्रेंड चला है ना इंटरनेट का जी और इंटरनेट की दुनिया में लोग हर बीमारी तो की दवाई इंटरनेट पर ढूंढते हैं वो गोलियां इंटरनेट पर ढूंढते हैं एक्सरसाइज इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो कितना ख़तरनाक है इंटरनेट पर अपनी बीमारी की दवाई ढूंढ के उसे खाना मैं सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है आप एक्सपर्ट के पास जाइए आप उससे एडवाइस लीजिए और उसके सुपरविजन में ही दवाइयाँ खाइए और एक्सरसाइजेस करिए मैं सबसे यही बोलता तो उससे शैटिका का पेन ठीक हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शैटिका के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थैंक यू उम्मीद करते हैं सर की बताई भी शैटिका की इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और शैटिका के दर से निजात पाने में आपकी मदद करेगी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हम आप हमसे कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें और अगर आप सर से कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो इनका पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस नीचे कमेंट सेक्शन यानी पिन कमेंट और डेस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू